यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। आज की कहानी भोपाल की लिसनर शिफाली पांडे के आइडिया पर आधारित है, जिसको मैंने एक काल्पनिक मोड़ दिया है और इसका नाम है अस्पताल के दो कमरे। यूं तो मैं आलस की गठरी हूं, लेकिन उन दिनों मुझे दो मिनट माँ पापा तक से बात करने की फुर्सत नहीं थी। और वो भी क्यों, उन दिनों आप मुझे राष्ट्रपति के पद का लालच दे देते, एमपी का टिकट दिलवा देते, याद शहर महिला मंडल की अध्यक्षा तक बना देते। मैं टस से मस नहीं होती, क्योंकि मैं इन सब से कहीं कहीं बड़ा काम करने जा रही थी। मैं जिंदगी में पहली बार मासी जो बनने जा रही थी। मेरी बहन रेनू ने अपनी शादी के दो साल बाद, ठीक शादियों के मौसम में जब यूं भी किसी के पास टाइम नहीं होता है, उसी मौसम में माँ बनने का फैसला कर लिया था। और सब कुछ अच्छा भला चल ही रहा था कि महारानी जी लेबर में जाने का इरादा बनाने लगी। हल्की सी कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, सो डॉक्टर ने दो चार दिन अस्पताल में एडमिट हो जाने को कहा। रेनू अपने कमरे में रानी बनी लेटी रहती थी। मैं बेचारी कभी उसकी तीमारदारी करूं, कभी चचेरी बहन और मामा के बेटे की शादियों की तैयारी में जाके हाथ बटाऊं। इतने दिन हो गए थे टीवी देखे, दोस्तों से बात किए, मीठा पान खाए। हाँ, मीठे पान का बड़ा शौक है मुझे। देखिए, दो तीन ही तो शौक है मेरे, और मैंने फैसला किया है कि अपनी सारी अच्छी बुरी आदतें अपने भांजे अब्लिक भांजी को जरूर सिखा दूंगी। भांजा हुआ तो उसे ताश में बेईमानी करना सिखाऊंगी, खूबसूरत लड़कियों को तिरछी आंखों से देखने की कला सिखाऊंगी। लेकिन भांजी हो तो अच्छा है। लड़कियों के लिए शॉपिंग करने में कितना मजा आता है, लड़कों के लिए शॉपिंग बोरिंग होती है। तो भांजी हुई तो उसे ताश में बेईमानी करना तो सिखाऊंगी ही, लेकिन बेईमानी पकड़ना भी सिखाऊंगी, मेकअप के सीक्रेट गुर सिखाऊंगी और दिल फेंक लड़कों को सीधा करने के 10 सरल तरीके समझाऊंगी। टाइम मैनेजमेंट की क्वीन बन गई थी मैं। नहा के बाल सुखाते हुए बच्चों के नाम सोचती थी, रिक्शा में बैठे बैठे काम के रिमाइंडर लिखती रहती थी, अस्पताल में नर्सों और डॉक्टरों के आगे पीछे दौड़ने वाले वार्ड बॉयज पे रॉब जमाने के बीच में अपना रोज का क्रॉसवर्ड भी निपटा लेती थी। और जरा बैठे बैठे झपकी लग जाए तो आने वाले दिन शादियों में और मेरे भांजा अब्लिक भांजी के साथ कितनी तफरी में बीतने वाले थे, इसके शेख चिल्ली के सपने भी देख लेती थी। मोबाइल फोन नया नया आया था, भैया के ऑफिस ने उन्हें दिया था, लेकिन इस सख्त हिदायत के साथ कि इसका सिर्फ ऑफिस के जरूरी काम के लिए इस्तेमाल करें। सुना था इस हथौड़े जैसे आधा किलो के फोन से कॉल रिसीव करने में भी पैसे लगते थे। भैया ने थोड़ी सी चीटिंग करके उस दिन मोबाइल फोन मेरे पास रख दिया था। बोले, जैसे ही रेनू लेबर में जाए तुम मुझे फौरन कॉल कर देना। मैं भी नक्शेबाजी में मोबाइल फोन थामे अस्पताल के कॉरिडोर में घूम रही थी। दो तीन दिन से लगभग सारे दिन यहीं रहती थी तो सब पहचाना सा हो गया था। हॉस्पिटल की तेज फिनाइल वाली महक, नीली यूनिफॉर्म में दूर दक्षिण भारत से आई थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलने वाली नर्सें जिनसे दोस्ती हो गई थी, और वही हमेशा थोड़ी जल्दी में रहने वाले डॉक्टर जो मेरे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का जवाब देते देते शायद थक गए होंगे। हॉस्पिटल के बरामदे में तकलीफ और फिक्र पहने चेहरे घूमते रहते थे, जिंदगी की उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच झूलते हुए। और वो गार्ड जिसे मैंने एक दिन चुपचाप पान लाने भेज तो दिया था, लेकिन आने पे डांटा भी था कि तंबाकू क्यों खाते हो, कैंसर हो जाएगा। रेनू का बच्चा था कि इस दुनिया में पधारने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी से लग रहा था कि काफी जिद्दी आसामी हम लोगों के पल्ले पड़ने वाला था। मैं पागलों की तरह इंतजार कर रही थी कि उस जिद्दी बच्चे की छोटी छोटी उंगलियां छू के अपनी उंगलियों से लिपट जाने दूं, उसके पतले पतले होठों से पहली किलकारियां सुनूं, उसके पांवों के तलवों पर धीरे से शैतानी में उंगलियां फेराऊं और देखूं कि उसे गुदगुदी लगी या नहीं। कितना अद्भुत होता है जीवन का खेला, एक नन्ही सी जान कैसे हमारी जिंदगी में आके हमारी जिंदगी बदल देती है। कॉरिडोर में टहलते टहलते मैं मन ही मन ये सब सोच के मुस्कुरा रही थी कि कहीं फोन की घंटी बजने लगी। कुछ सेकंड लगे पहचानने में कि ये भैया का ही मोबाइल फोन था जो मेरे हाथों में बज रहा था। आवाज कॉरिडोर में गूंज रही थी, घर का नंबर था। मैं झुंझलाई, भैया भी ना, मुझसे बोले कि फोन यूज मत करो और खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने बटन दबाया और अपने जीवन का पहला मोबाइल फोन कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। भैया ही थे, बोले, फौरन इमरजेंसी वार्ड में पहुंचो और डॉक्टर को बता दो, हम लोग गाड़ी का इंतजाम करके पापा को ला रहे हैं। अस्पताल वही था, वार्ड बॉय वही, थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलने वाली नर्सें वही, डॉक्टर वही जो मेरे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से थक गए होंगे। लेकिन एक पल में, बस एक पल में सारा नजारा बदल गया था। रोने से कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए नहीं रोई। मेरे पिता को अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में लाया जा रहा था,
मुझे अगले कुछ मिनटों में सारा इंतजाम करना था। मैं दौड़ी दौड़ी गई, एक काउंटर पे पैसे जमा किए, दूसरे काउंटर पे पैसे की रसीद जमा की और फॉर्म भरा। सब पता था मुझे अब इस अस्पताल में क्या कहाँ होता है। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर इंचार्ज के पास गई, उन्हें सब बताया। बोले, अरे पेशेंट अभी आ रहे हैं, लेकिन आपको तो मैं कुछ दिनों से यहाँ देख रहा हूँ। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी खुशी आई थी इस अस्पताल में, मेरी बड़ी बहन की डिलीवरी होने वाली है, लेकिन अब पापा आ रहे हैं। थोड़ी देर में बगल वाले नेगी अंकल की कार में पापा को लेके भैया भी पहुंच गए। उनकी आंखें बंद थीं। पापा की खांसी इतना सीरियस मोड़ ले लेगी, कभी ये अंदाज ही नहीं था। बाद में पता लगा कि तबीयत तो सुबह ही बिगड़ गई थी उनकी, लेकिन दोपहर तक पापा की बेहोशी बढ़ती भी जा रही थी। शुगर पेशेंट होने की वजह से ये अक्सर होता था उनके साथ, लेकिन इस बार उनकी चंद मिनटों की बेहोशी ने डरा दिया था। शुगर लेवल कम होने लगा था। माँ ने कहा था, अब देर मत करो, जल्दी अस्पताल ले जाओ इन्हें। पापा की जिंदगी में ये बस दूसरा मौका था जब वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। डॉक्टर, अस्पताल, इन सब से दूर ही रहे हमेशा। बुखार भी हुआ तो तब तक दवा लेना टालते रहे जब तक हम लोग कहते कहते नाराज ना हो गए। डॉक्टर ने बताया, सांस लेने में तकलीफ है इन्हें, पहले सक्शन करके देखते हैं। मैं और भैया कुछ समझ ही नहीं पाए। डॉक्टर ने कहा, कुछ कहना मुश्किल है, बस दुआ करिए। मुश्किल होता है गम सहना, एक बेरहम खंजर की तरह तार तार कर देता है मासूम रेशम से बने इस दिल को। लेकिन उससे भी मुश्किल होता है गम छुपाना। अस्पताल के दो कमरों के बीच में बट गई थी मेरी जरा सी जिंदगी। पापा का ख्याल रखना था, और उससे भी ज्यादा यह ख्याल रखना था कि पास एक दूसरे कमरे में रेनू को यह भनक तक ना लग जाए कि उसके बिस्तर से मुश्किल से 20 मीटर दूर उसके पिता अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। वो बोली, अचानक सब यहां कैसे, इतनी उतावली मत करो भाई, बच्चा अपने टाइम से आएगा, मेरी जान ले रखी है इसने, सारा बदला लूंगी इससे। फिर बोली, अरे पापा कहाँ हैं, घर पे पेपर पढ़ना ज्यादा जरूरी है क्या, यहाँ बेटी दर्द के मारे टेढ़ी हो जा रही है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। हम रेनू के सामने हंस देते, फिर बाथरूम जाके बहाना करके रो लेते। सिविल अस्पताल के एक कमरे में हमारे खानदान का नया चिराग आने वाला था, और दूसरे कमरे में हमारे खानदान का सूरज डूबने का मन बना रहा था। भाई बहनों ने दिन के घंटे बांट लिए थे, सबका एक ही काम था, पापा किसी तरह होश में आ जाएं। हर बच्चा घंटों उनके कान में बोलता रहता, पापा पापा उठते क्यों नहीं, पापा देखो जोशी अंकल आए हैं, पापा माँ ने पकौड़े बनाए हैं, उठो तो, छोला मंदिर चलना है कि नहीं। आंखों से सुनते तो थे पर कहते कुछ नहीं। हमेशा जिद के पक्के रहे पापा ने, जैसे तय कर लिया था कि अब किसी की नहीं सुनूंगा। अपने छोटे से वॉकमैन में कैसेट में पापा के सारे फेवरेट गाने भर के ले गई थी मैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, जो जैसा कहता वो करने लगते थे हम सब, बस पापा होश में आ जाए एक बार बोल पड़े। किसी ने कहा, हनुमान जी को चमेली के तेल के 24 दीपक लगाओ, किसी ने कहा हनुमान नाशतक का पाठ करो, किसी ने पापा के पैरों पे बेसन का लेप लगाने को कहा। जिसने जो कहा सब किया, लेकिन पापा नहीं बोले। गुजरते घंटों के साथ उम्मीद की डोर और कमजोर पड़ती गई। उधर दूसरे कमरे में रेनू का बच्चा अब समझो दुनिया में आने की तैयारी कर चुका था। देखिए ना जीवन का खेला, एक कमरे में जीवन पैर पसारने को तैयार था, और दूसरे में मृत्यु पैर जमाने की जिद कर रही थी। पापा का ऑपरेशन शुरू हो गया था, और उधर मेरी चचेरी बहन की बारात आने वाली थी। ऑपरेशन थिएटर के अंदर बाहर तेजी से जाती नर्स ने आके भैया को बताया था कि पापा को जल्दी से खून चढ़ाना था, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का कम से कम 3 बोतल खून चाहिए था। उस समय याद शहर में यह सुविधा नहीं थी कि हम कोई भी ब्लड ग्रुप का खून दे दें और उसके बदले में वो पापा को उनके ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दें। अस्पताल के सामने सड़क के पार 2 पीसीओ थे। मैंने और भैया ने लगातार फोन करने शुरू कर दिए दोस्तों को, रिश्तेदारों को, बी पॉजिटिव की तलाश में। माँ के लिए यह इम्तिहान का वक्त था। माँ ने अगले दिन कुछ घंटे किरण दीदी के घर शादी की रस्मों में बिताए, और रात पापा के सरहाने बैठ के आंसू बहाए। पापा ने पूरी उम्र जाने कितने रिश्तों के बीच बोए, प्यार और अपनेपन के धागों से गूंथा एक एक रिश्ते को। अपना वतन, अपना गांव छोड़ के मुफलिसी में याद शहर आके बसे थे वो। अकेले अपने बूते अपना आशियाना बसाने वाले मेरे पापा का घर कुछ साल बाद
सरकारी कामकाज के लिए सिफारिशें लेके आने वाले तमाम रिश्तेदारों का गेस्ट हाउस बन गया था। चाचा, फूफा, ताऊ, भाई, संबंधों के जाने कितने नाम और चेहरे। इस घर की दुआएं सबको लगी थी, लेकिन घर आने वाले इन अपनों की आवभगत में लगे रहे हम बच्चों को कभी लगा ही नहीं कि बस इतना ही था हमारा साथ। चहल पहल भरे उस आंगन से दूर आज पापा अकेले थे। आज जब उन्हें सिर्फ 3 बोतल खून चाहिए थे तो कोई बिजी था, कोई बीमार, कोई बाहर गया था काम पे, कोई अभी जॉन्डिस से उठा था, खून नहीं दे सकता था। हिसाब किताब के पक्के हमारे पिता संबंधों के समीकरण इक्वेशन नहीं समझ पाए थे, जान ही नहीं पाए थे कि जब वो बेसुध अस्पताल के बिस्तर पे लेटे थे तो उनके बनाए रिश्तों के आंगन में मेरी माँ अकेली खड़ी थी। तभी शाम को करीब 5 बजे रेनू को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और नर्स ने कहा, आपके पापा के ब्लड का अरेंजमेंट हुआ क्या? उधर काफी देर बाद 4 आदमी हमें अस्पताल में ढूंढते हुए आए। एक ट्रेड यूनियन से थे जिसकी कभी पापा ने मदद की थी, खबर मिल गई थी। 10,000 मेंबर्स में 4 B-पॉजिटिव लोग हमारे सामने खड़े थे। माँ जहां खड़ी थी रिश्तों के उस सूने आंगन को शायद भगवान अपनी छत से देख रहा था। और फिर एक लम्हे में वो लम्हा आ गया जिसका मैं महीनों से इंतजार कर रही थी। रेनू को बेटी हुई थी, मैं मासी बन गई थी। लेकिन माफ कर दे मुझे खुशी के लम्हे, तेरे मेरे बीच एक और लम्हा खड़ा था, मेरे पिता की जिंदगी या मौत का लम्हा। ऑपरेशन थिएटर से जो बाहर निकलता हम उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करते। रेनू अस्पताल के अपने कमरे में वापस पहुंच गई। हम सब बारी बारी से उसके पास वक्त बिता रहे थे। उससे कह दिया था कि पापा को थोड़ा बुखार है, बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए आ नहीं रहे, और घर का फोन खराब है इसलिए बात नहीं हो पा रही। हम न खुल के हंस पा रहे थे न खुल के रो पा रहे थे। पड़ोस के नईम चाचा आए, बोले, मैंने आज खास नमाज पढ़ी है तुम्हारे पापा के लिए, हौसला रखो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। वो सारे रिश्तेदार दोस्त जो मेरे पापा की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई में साथ खड़े होने नहीं आ सके थे, क्रिकेट की कमेंट्री की तरह घर बैठे सारा आंखों देखा हाल जरूर जानना चाह रहे थे। सबके पास हमारी तकलीफों का इलाज तैयार था। कल सुबह जब भी वक्त मिल जाए काली मंदिर पे नारियल चढ़ाना, माता रानी सब ठीक कर देंगे, देखना। दफ्तर फोन किया छुट्टी बढ़ाने के लिए तो मेरे बॉस ने कहा, सच कड़वा होता है, सर्वाइवल रेट कम होता है, सच को बर्दाश्त करने के लिए खुद को तैयार कर लो। नहीं करना था मुझे खुद को तैयार। ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर दिखाते मॉनिटर्स की आवाज के बीच में एक ऑपरेशन थिएटर में कैद मेरे पिता, ये नहीं था मेरा सच। मेरा सच था मेरे पापा की बेसाख्ता हंसी। मेरा सच था अपनी भांजी का महीन आवाज में रोना जो मैं उसे अपनी गोद में लेके सुन रही थी। अचानक रेनू ने मेरे पर्स के बगल से मोबाइल फोन उठाया और घर का नंबर डायल कर दिया। बोली, हद हो गई, नाना बने हैं, ऐसा भी क्या बुखार की पड़ोसी के यहाँ से पापा फोन तक नहीं कर सकते। मैं रुकती इससे पहले बोली, घर का फोन ठीक हो गया, घंटी जा रही है। घर के नौकर ने न जाने क्या कहा, रेनू ने फोन रखा, आंखों में आंसू भर गए और बोली, पापा यहाँ है अस्पताल में, ऑपरेशन थिएटर में। तभी दरवाजा खुला, हिंदी ठीक से ना बोल पाने वाली नर्स थी, मुझे ढूंढती फिर रही थी। बोली, प्लीज कम, साइन द पेपर्स। मैंने कहा, पापा? एक सेकंड लिया उसने सेंटेंस बनाने में, नहीं बना पाई, फिर बोली, पापा इज ओके। अस्पताल के 2 कमरों में हमें 2 नई जिंदगियां मिल गई थी। बस इतनी सी थी आज की कहानी।